टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया भर में खाद्यान्न की कीमतों में आने वाले समय में और तेजी आने की आशंका बन गई है। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए खाद्यान्नों और पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगा दी है। रूस के साथ संकट की वजह से यूक्रेन की सरकार घरेलू जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान दे रही है और प्रतिबंध की वजह से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में खाद्यान्न और दूध उत्पादों की कीमत बढ़ने की आशंका बन गई है। यूक्रेन का दुनिया भर के खाद्यान्न उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन से दुनिया भर में गेहूं, खाद्य तेल, चारे आदि की सप्लाई की जाती है। संकट के साथ ही गेहूं, मक्का, खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। यूक्रेन की सरकार ने गेहूं सहित कई अन्य खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल वह रूस के हमले के बीच लोगों की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दे रही है, इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। एक सरकारी घोषणा के अनुसार इस सप्ताह पेश किए गए कृषि निर्यात पर नए नियम के तहत बाजरा, चीनी, जीवित मवेशी और मांस और कई अन्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई गई है। यूक्रेन की सरकार ने सरकारी वेबसाइट के जरिए एक बयान में कहा कि यूक्रेन में मानवीय संकट के बीच बाजार को स्थिर रखने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध की आवश्यकता है। प्रतिबंधों से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के लोगों की खाद्य आपूर्ति पर खतरा बन गया है। ये लोग कई उत्पादों के लिए रूस और यूक्रेन से होने वाले निर्यात पर निर्भर हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के लगभग एक तिहाई गेहूं और जौ की निर्यात की आपूर्ति करते हैं। रूस के हमले के बाद इन उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। फिलहाल संघर्ष की वजह से खाद्य कीमतों में तेजी से मिस्र और लेबनान जैसी जगहों पर खाद्य संकट उत्पन्न होने की आशंका बन गई है। जानकारों को आशंका है कि निर्यात प्रतिबंध वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर बुरा असर डालेगा और इसका असर इसलिए भी काफी गंभीर होगा क्योंकि कीमतें पहले से ही बढ़ रही थी और अब 2011 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।